नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। आज का ये जो वीडियो है ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास फोन है, यानी कि फोन के अंदर सिम कार्ड लगा हुआ है। तो आज का ये खबर आपके लिए है, ध्यान से सुनिए और जो चीज़ें मैं कहने वाला हूँ उनको करिए, वरना आपका नंबर जो है बंद होने वाला है। क्योंकि 21 साल बाद ट्राई या DOT में जो है एक बहुत बड़े बदलाव किया जा रहा है जिसका असर सीधा आपकी सिम कार्ड पर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैं यहाँ आसान शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाऊंगा जिससे चीजें जो है आप आसानी से समझ सकेंगे। साल 2003 में DOT की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया था जिसमें 750 मिलियन यानी कि 75 करोड़ नंबर्स को मैनेज करने का सिस्टम बनाया गया था जिससे इन नंबरों की देखरेख हो सकेगी, या इतने नंबर की कैपेसिटी जो है वो DOT के पास था। लेकिन साल 2023 के मार्च महीने तक ये जो है 1200 मिलियन तक ये आंकड़ा पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि 120 करोड़ 75 करोड़ की कैपेसिटी थी, लेकिन अब जो है उपभोक्ता है भारत में 2023 तक मार्च के महीने तक 120 करोड़। तो दूरसंचार विभाग अभी नए नंबर अलॉटमेंट का एक प्लान बना रहा है जिसमें नए नंबर के सीरीज ऐड होंगे, लेकिन साथ में जो पुराने नंबर है जिनका इस्तेमाल 90 दिन से नहीं हुआ है, अगर आपने किसी आपके पास कोई पुराना नंबर है जिसका रिचार्ज आपने 90 दिन से नहीं किया है तो 90 से लेकर 180 दिन तक का इंतजार किया जाएगा। जिस दिन 180 दिन हो जाएगा वो नंबर आपके पास से बंद हो जाएगा और वो तुरंत ही किसी और को मिल जाएगा या कहीं किसी दुकान पर वो नंबर उपलब्ध होगा। तो ऐसे में आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी नंबर है जिसको आपने रिचार्ज नहीं किया है काफ़ी दिन से, तो ध्यान दे दें, छोटे कोई भी एक रिचार्ज आप जो है करा लें, नंबर को एक्टिव करा लें, वरना आपका नंबर जो है बंद हो सकता है ये जो नया सिस्टम अभी चालू हुआ है इसके तहत। और 180 दिन बाद आपका नंबर खो जाने से किसी भी कीमत पर आपको वो नंबर मिल पाएगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, आपको वो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। 90 दिन के बाद सर्विस बंद कर दी जाएगी, 180 दिन बाद परमानेंट सिम को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।